अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी कॉल को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इमो की करना चाहते हैं या मैसेंजर की करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी कॉल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। थोड़ी देर पहले मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो ये स्पेशली उनके लिए है। सो गाइस, स्टार्ट से अंत तक लास्ट वीडियो को देखिएगा, और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हर रोज न्यू टेक्निकल वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज आप नई वीडियो देख सकें। सो गाइस, अब मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बताता हूँ कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे लिखना है मोबीजिन। मोबीजिन जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएंगी। फर्स्ट पे जो आपको नजर आ रही है मोबीजिन स्क्रीन रिकॉर्डर, आपने इसको अपने मोबाइल फोन में कर लेना है इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो होगा इंटरफेस वो नजर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, इसको नेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे सामने नजर आएगी। ये इस तरह से हमारे जो स्क्रीन रिकॉर्डर होगा वो सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। एक छोटा सा इसका मोनो लोगो बना हुआ नजर आएगा आपको, आपने इस पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। आपने ये जो ऊपर कैमरा का ऑप्शन बना हुआ है इस पे आपने प्रेस करना है। इस पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांग रहा है, आपने इसको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट नाउ। ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसको ऑफ कैसे करना है, जस्ट इस पे एक बार टैप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको खत्म करना चाहते तो यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर देना है। जैसे स्टॉप करेंगे तो हमारे सामने ये तीन ऑप्शन आ गए, एक डिलीट और दूसरा क्लोज और तीसरा वॉच वीडियो। हम वॉच वीडियो पर क्लिक करते हैं। वॉच वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस वीडियो को ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं कि जो जो मैंने बातें की हैं वो इसने रिकॉर्ड कर ली हैं। चाहे वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो, आप इसमें से रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये आप देख सकते हैं इसका मेन्यू कुछ इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। ये जितनी भी वीडियोस आपने रिकॉर्ड की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी, और इसकी सेटिंग्स भी है। अगर आप सेटिंग में मज़ीद इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे अंदाजे से इसकी मज़ीद सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद ये लोगो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपने यहाँ से टैप करने के बाद इस कैमरा वाले पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि 3 सेकेंड का ये टाइम लेगा, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आप देख सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।